इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक है सकल दिगंबर जैन समाज सूरजमल विहार दिल्ली। पांचों परम गुरु चौबीसों जिने राज करूं शुद्ध आलोचना सुधि। हाँ, गुरु कितने होते हैं, गुरु कितने होते हैं, बस। और अभी क्या पढ़ रहे थे, बंदो पांचों, पांचों ही गुरु हैं, निर्गंत हैं तो पांचों क्या हैं, गुरु हैं। सिद्ध भगवान भी हमारे लिए गुरु हैं, जो सिद्ध बनने के लिए हमें आदर्श हैं तो वो भी हमारे लिए क्या हैं। और बाकी परम गुरु अरहंत हैं ही हैं, और अपर गुरु जो हैं तीन, आचार्य उपाध्याय साधु। तो बंदो पांचों परम गुरु, पंच महागुरु भक्ति होती है ना, पंच महागुरु भक्ति वो क्या है, पांचों गुरुओं की भक्ति है। चौबीसों जिनराज, पांचों गुरुओं को और चौबीस भगवान को मैं वंदना करता हूँ। और क्या करता हूँ, करूँ शुद्ध आलोचना, अपनी आत्मा को शुद्ध करने के लिए आलोचना करता हूँ, शुद्धिकरण के काज। क्या करने के लिए आलोचना, भी मैं अशुद्ध नहीं कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, शुद्ध मतलब निश्चल भाव से, कैसे भाव से। हाँ, ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि महाराज जी क्या बोलते, वो ठौना गिर जाए तो क्या करना चाहिए, तो क्या करना चाहिए, तो वो नहीं, किसी से ठौना गिर जाए, किसी से ठौना गिर जाए तो क्या करना चाहिए, गिरा तो अपना है, ठीक है ना, पर पूछ रहा है तो ये क्या हो गया, निश्चल नहीं हुई, शुद्ध आलोचना नहीं हुई। शुद्ध बोलो कि हाँ मेरे से ठौना गिरा था, मुझे प्राश्चित चाहिए, सीधी सी बोलो। महाराज जी कभी ऐसा हो जाए किसी के साथ तो क्या हो करना चाहिए, अपना नहीं बताना चाह रहे कि मैं ऐसा हूँ, तो ये शुद्ध आलोचना नहीं है, जो है बिल्कुल स्पष्ट। सुनिए जिने अर्ज हमारी, हम दोसे किए अति भारी, तीन की अवनिवृत्ति का जा, तुम्हें शरण लही जिन राजा। सुनिए जिन, हे जिन भगवान सुनिए, अर्ज जो हमारी प्रार्थना है सुनिए, हम दोष किए अति भारी, हमने बहुत भारी बड़े बड़े क्या किए हैं, दोष किए हैं, तीन की अब निवृत्ति काजा, हम उसकी निवृत्ति अर्थात करने, काजा मतलब करने के लिए, हम उसकी निवृत्ति करने के लिए, उससे दूर होने के लिए तुम शरण लही, हमने क्या की है, हे जिनराज हमने आपकी क्या ली है, शरण ली है। एक बेते चौ इंद्रीवा, मन रहित सहित जे जीवा, तीन की नहीं करुणा भारी, निर्दयी हो घाते पिता। एक मतलब एक, बे मतलब दो, ते मतलब तीन, चौ मतलब चार, एक इंद्री, इंद्री मतलब इंद्री, एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, वा अथवा मन रहित, जो असंगी जीव हैं मन रहित हैं, ऐसे पांच इंद्री मन रहित से जीवा जो जीव हैं, तीन की नहीं करुणाधारी, मैंने इन पर कोई करुणा नहीं किया, जल को बहाया, अग्नि फालतू जलाता रहा, पृथ्वी खोदता रहा, ठीक है ना, ये मतलब का देखो, तीन चार पंखे वहाँ चल रहे हैं, वो क्या चल रहे हैं, तुम्हारे निमित्त से चल रहे हैं, तो वो भले वहाँ चल रहे हैं लेकिन पाप किसको लग रहा है, तुमको, मंदिर वालों ने तुम्हारे निमित्त से चलाया है, जितने आ रहे हैं और नहीं भी आ रहे हैं उन सब के लिए क्या लग रहा है, क्यों, ये मैंने करुणा नहीं धारी, यानी कि तिनकी नहीं करुणा धारी, निर्दयी हो घात बेचारी, ये मैंने निर्दयी होकर के उनका घात करने का भी विचार किया है, डाल दो पानी यहाँ पर, सफाई कर दो, पूरी गाड़ी धो रहे, एक घंटे से गाड़ी धो रहे, पूरा मकान धो रहे हैं, सड़क धो रहे हैं, ये सब क्या कर रहे हैं, विचार नहीं किया मैंने, और निर्दयी होकर के कितने जीवों की मैंने हिंसा की है। समरम समारम आरम, मन बचतन कीने प्रारम, कृत कारित मोदन करके, क्रोधादिक चतुष्टय धरके। ये मैंने 108 प्रकार से पाप किए, समरम
मन में विचार समरम, समारम जो विचार है उसको करने के साधन इकट्ठे करना समारंभ, और उसे स्टार्ट कर देना वो है आरंभ। मन में आया बर्तन धोना है तो ये क्या हो गया समरम, सामान इकट्ठा करना ये क्या हो गया समारंभ, और स्टार्ट हो जाना ये क्या हुआ। तो ऐसे किसी भी विषय को लगे जिससे हिंसा होती हो, जिससे झूठ होता हो, चोरी होता हो, पाप होता हो, तो वो मन में उत्पन्न होना समरम है, और उसके साधन इकट्ठे करना समारंभ है, और प्रारंभ कर देना आरंभ। ऐसा समरम, समारंभ और आरंभ, इनको मैंने मन वचन काय से किया। समरम को भी मन से, समारंभ को भी मन से, आरंभ को भी मन से, समरम को भी वचन से, समारंभ को भी वचन से, आरंभ को भी वचन से। समरम को तन से, समारंभ को तन से, और आरंभ को तम से, तो कितना हो गया, तीन तीन में गुणा कर दिया तो कितने हो गए, नौ हो गए। और इनको मैंने नौ को कैसे किया, स्वयं भी किया, कृत कारित अपने बहु बेटे आदियों से भी करवाया, जो अपने लोग आश्रयवान थे उनसे भी करवाया, तो कारित अथवा ना स्वयं किया ना कराया, मगर ये जो हो रहा है उसकी मैं क्या कर रहा हूँ, अनुमोदना कर रहा हूँ। इस प्रकार से जो नौ थे वो कृत रूप से, नौ थे कारित रूप से, और नौ ही अनुमोदना से, तो नौ तिया कितने हो गए 27। और ये मैंने कैसे किए हैं ये 27, कभी क्रोध से, कभी मान से, कभी माया से, कभी लोभ से, मतलब राग से या द्वेष से। तो इसलिए इन चार कसायों को 9 से गुणा कर दो, 27 से गुणा कर दो, तो कितने हो गए 27 चौको 108। तो 108 प्रकार से पाप व्यक्ति जो है प्रति समय करता रहता है संसारी, तो इसलिए वो 108 के पापों के प्रायश्चित के लिए प्रातःकाल एक माला और सोने के पहले एक माला, दिन भर के प्रायश्चित की एक माला और रात भर के प्रायश्चित की एक माला, ये दो माला तो कम से कम फेरना ही चाहिए कि ऐसे मेरे से पाप 108 हो रहे हैं, इसलिए दाने भी 108। सत्य आठ जो इमि भेदनते अघ कीने परिच्छेदनते, तीने की कहूँ कोलो कहानी तुम्हें जानत केवल। सत आठ कितने हो गए 108। जो इमि भेदन, जो इसके भेद हैं ऊपर जो कहे हैं वो कितने हो गए 108। तो इन 108 के भेदन से अघ कीने परिच्छेदनते, क्या किया मैंने अग कीने, मैंने क्या किया है, अग मतलब पाप किया है, परिच्छेदन से दूसरों को छेद आदि करके मैंने 108 छेद मतलब दुख देकर, कष्ट देकर, पीड़ा देकर के, तो मैंने 108 प्रकार से क्या किए हैं, तिनकी कहूँ कौलों कहानी, इन मैं अपने अग के मेरे पाप की कहानी को मैं कितना कहूँ नहीं बता सकता अपने जिभ्या से। तुम्हें जानते के, तुम सब जानते हो मेरी कहानी को, विपरीत एकांत विनय के संशय अज्ञान को नहीं के, बस होए घोर अग कीने बचते नहीं जाए कहीं ने। विपरीत एक, एकांत दो, विनय तीन, संशय चार, अज्ञान पाँच, ये पांच क्या है, कुनय हैं। कुनय इसलिए हैं क्योंकि कोई एक एक पक्ष को मानने वाले लोग हैं, एक एक बात को मानने वाले लोग हैं, तो ये पांच के कुनय के बस होए, इनके बस हो करके घोर अग कीने, क्या किए हैं, घोर पाप कीने हैं। ये पांच प्रकार के पाप से क्या किया मैंने, कभी मैं एकांतवादी हो गया, कभी मैं विपरीतवादी हो गया, कभी मैं विनयवादी हो गया, कभी संशयवादी और कभी अज्ञानवादी। एक ही निर्णय को मान लिया तो एकांतवादी हो गया, उल्टा निर्णय कर लिया वस्तु स्वरूप का तो विपरीतवादी हो गया, सबके मैंने निर्णय मानना चालू कर दिया संसार में जो जो कहता है, तो मैं कौन सा निर्णय वाला हो गया, विनयवादी हो गया, और निर्णय नहीं कर पाता हूँ अच्छा क्या है बुरा क्या है तो वो संशयवादी हो गया, और निर्णय ही नहीं करना चाहता हूँ
समझना ही नहीं चाहता हूँ, तो वो कौन सा हो गया? इस प्रकार से इन पांच पापों के बस होकर के पांच कुनय के कारण बहुत अघ किए, बचते नहीं जाए कहीं नहीं। वचन से, अपने वचन से मैं इनके बारे में कहे, को गुरुन की सेवा कीनी, केवल अदया करी भीनी, या विरमिथ्या त्वे भ्रमायो, चहु गति मधि दोषे। को गुरुन की सेवा कीनी, जो गुरु नहीं है ऐसे गुरुओं की सेवा कीनी, और वहाँ पर क्या मिला? केवल अदया, मुझ पर दया पैदा नहीं हुई, ना उन पर दया और ना मुझ पर दया। करी भीनी, अंदर से मेरे में सिर्फ अदया ही उत्पन्न हुई है, अदया ही भरी हुई है। या विधि मिथ्यात भ्रमायो, और इस विधि से मेरे अंदर क्या पैदा हुआ है? मिथ्यात ही, और उस मिथ्यात के कारण भ्रमायो, मैं संसार में हाँ घूमता रहा। कहाँ पर? चौगति भ्रमायो, कहाँ पर? और मधि दोष उपायो, और मैंने अपने में क्या उत्पन्न किया? क्या उत्पन्न किया? दोष ही उत्पन्न करता रहा अपने में, अंदर में, मध्य में, हृदय में, और कुछ भी नहीं हुआ। हिंसा पुनी झूठ जो चोरी, पर वनिता सोद्रग चोरी, आरंभ परिग्रह भीनो, पन पाप जुया विध। हाँ, अब पांच पाप की बात कह रहे हैं, हिंसा, पुनः झूठ, जू और चोरी, पर वनिता कुशील, सो दृग जोरी, क्या किया इसमें? मैंने देख करके और जोर किया, पर वनिता आदि को दृग देख करके अपने काम पर जोर दिया, ठीक है, काम ही बना मैं। और आरंभ परिग्रह भीनो, और क्या हुआ? परिग्रह से मैं भरा रहा, आरंभ परिग्रह से भरा रहा। पन पाप, कितने पाप हो गए? ये पांच पाप हो गए। या विध कीनो, इस प्रकार से मैंने पांच प्रकार के पाप कीने, तो ये पांच प्रकार के पाप की आलोचना हो गई ना, ठीक है ना। अब आलोचना करेंगे पांच इंद्रियों की, मैंने पांच इंद्रियों के बसीभूत कैसे पाप किए। सप रस रस ना घ्रानन को, चखु काने विषय सेवन को, बहु कर्म किए मन माने, कुछ न्याय अन्याय न जाने। सपरस, जो सप स्पर्श, रस रस हो गया, दो हो गए, रसना तीन हो गई, घ्रानन चार, चक्षु कितने हो गए? नहीं, सपरस एक, रसना दो, घ्रानन तीन, चक्षु चार और कान पांच। इनके जो पांच इंद्रिय के जो विषय थे उनको सेवन किया, ठीक है ना, और सेवन करके क्या किया? बहु कर्म किए मन माने, पांचों इंद्रियों के सेवन करके मैंने ऐसा कर्म किया, अनेक प्रकार के कर्म किए जो करने लायक भी नहीं थे, और मैंने उसमें करने में कुछ न्याय अन्याय भी नहीं जाना, कि ये न्याय है इसमें या अन्याय है, मतलब करने चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इन पांच इंद्रियों के माध्यम से भी मैंने बहुत पाप किए हैं। और फल पंच, अब ये अष्टमूल गुण, कितने मूल गुण? श्रावक के अष्टमूल गुण होते हैं ना, तो पांच उदंबर और तीन मकार का त्याग होता है, तो उसमें मैंने कैसे दोष लगाए? फल पंच उदंबर खाए, मधुमास मद चित लाए, नहीं अष्ट मूल गुण धारे, से कुविषन दुख कारे। पांच उदंबर फल खाए, जो उदंबर फल होते हैं पांच, उमर कटुमर आदि, ये पांच फल होते हैं। मधु, मधु मतलब शहद, मांस, मांस है, और मद्य शराब, इस प्रकार से कितने हो गए? आठ। चित्त लाए,
ये चित्त में मैंने इनको अच्छी तरह से मतलब कि चाहा, मन में ललचाया और मैंने इनका सेवन किया, और नहीं अष्टमूल गुण धारे, क्योंकि ये अष्टमूल गुणों का मैंने धारण नहीं किया, से इनका सेवन किया और कुव्यसन में फंस गया। इनके चक्कर में किस में फंस गया मैं? कुव्यसन में। और दुखकारे, इससे क्या प्राप्त हुआ मुझे? दुखकार मतलब दुख देने वाले ये व्यसन थे। और सत्य व्यसन आदि भी इसमें लगा लेना है। हाँ, त्याग तभी पढ़ना चाहिए। त्याग पढ़ने से क्या होता है? उन चीज़ों का हमको बार बार स्मरण रहता है। क्या रहता है? कभी भी भूल से, जैसे मान लो कि हम रोज़ वही पाप करते हैं और रोज़ आकर के मंदिर में प्राश्चित लेते हैं, तो बोले ऐसे करने से क्या फ़ायदा? हम वही रोज़ पाप करें घर जा कर के, और भगवान से आके बोले भगवान मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, और घर जाके फिर वही किया, तो बोले इससे फ़ायदा क्या है भगवान से झूठ बोलने से? बोले नहीं नहीं, वो करना नहीं चाहता है, करना नहीं चाहता है, लेकिन हो रहे हैं तो कम से कम प्रतिदिन वो एक्सेप्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? कि मैं गलत हूँ। एक तो होता है चोरी, ऊपर से सीना जोरी। एक व्यक्ति पाप कर ही रहा है लेकिन पाप मान नहीं रहा, और एक व्यक्ति पाप हो जा रहा है, करना पड़ रहा है, अपनी आसक्ति कारण कहो, अज्ञानता कारण कहो, या आलस प्रमाद के कारण कहो, लेकिन कम से कम आकर के सीना जोरी तो नहीं कर रहा है। बोल रहा है, हे प्रभु मेरे से ये पाप क्यों हो रहे हैं? मैं चाहता भी नहीं हूँ पर ऐसे पाप मुझसे हो रहे हैं, कब छूट जाएं? और मैं छोड़ता हूँ, आज छोड़ता हूँ, कल फिर नियम तोड़ के फिर करता है। तो ऐसा व्यक्ति का कल्याण होगा कि नहीं होगा? होगा। आज कह रहा है लेकिन कभी ऐसा अवसर आ जाए वैराग्य का कि एक क्षण में क्या कर देगा वो, क्योंकि उसकी आदत में है ना, उसको समझ है ना कि मैं गलत हूँ, तो ऐसा व्यक्ति तर जाएगा। लेकिन कोई जो उसको पाप ही नहीं समझ रहा है तो वो व्यक्ति कभी तर नहीं पाएगा। हाँ, दुई वी से अवख जीने गाए, सो भी नि से दिन भुन जाए, कुछ भेदा भेद ना पायो, ज्यों त्यों करी उधर भराय। 22 प्रकार के अवक्ष होते हैं, जिनवाणी में पढ़ लेना। ये जिन गाए, ये जिनेन भगवान ने बताए हैं। सो भी तो भी निस दिन भुन जाए, क्या किया उसको? 24 घंटे वो अवक्ष का सेवन करते रहे। कछु भेदा ना भेद पायो, क्या भेद है, क्या अभेद है, क्या अलग करने लायक है, क्या अलग नहीं करने लायक है, इस प्रकार से मैंने ये कुछ जाना नहीं, और ज्यों को ज्यों त्यों करी उधर भरायो। मैंने प्रासुक किया नहीं, छिन्न भिन्न किया नहीं, ठीक है ना, और जैसा तैसा मिला, बस क्या भरना है? ऐ नगर पालिका की टंकी, कचड़े का डब्बा, ठीक है, डस्टबिन, कौन सा जो आए सब डालते जाओ, जो मिले सब लेते जाओ, और जब मिले तब लेते जाओ। तो हे प्रभु, ऐसा करके भी पाप बहुत किया है। अनंतानु जो बंधी जानो संज्वलन चौकड़ी गुनिये, सब भेद जो सोन से मुनि। अब ये कसाई की आलोचना कर रहे हैं कि मैं कसाई करता हूँ, तो अनंतानुजु बंदी जानो, अनंतानुबंदी क्रोध मान माया लो, प्रत्याख्यान क्रोध मान माया लो, अप्रत्याख्यान क्रोध मान माया लो, और संज्वलन क्रोध मान माया लो। ये चौकड़ी हैं, ये चार चौकड़ी हैं, क्या बोलते हैं, चार चंडाल बोलते हैं ना, क्या बोलते हो, चौकड़ी चंडाल क्या है, तो ये भी चार कसाएँ चंडाल की तरह हैं जो पीछे पड़ी हुई हैं। अनंतानुबंदी एक, प्रत्याख्यान दो, अप्रत्याख्यान, अक्रम से अनंतानुबंदी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संज्वलन, ये चार चौकड़ी हैं। ये क्या है? चार चौकड़ी हैं, और इनमें चार चार होती हैं तो कितनी हो जाएंगी? 16। तो ये सब भेद सोनस मुनिये, ये किसने कहा है? मुनियों ने, प्रभु ने ये सब कही हैं। 16 कसाए मैंने, इन 16 कसाए के वशीभूत होकर भी अपने दर्शन का और अपने चारित्र का घात किया है। क्या किया है?
अनंतनबंदी से मैंने दर्शन चारित दोनों का घात किया, अप्रत्याख्यान से मैंने एक देश व्रत का घात किया, प्रत्याख्यान कसाय से मैंने सकल चारित का घात किया और संजलन कसाय से मैंने यथाख्यात चारित का मतलब पूर्ण चारित्र का जो सबसे बड़ा चारित्र होता है उसका मैंने घात किया। हाँ अब ये नौ कसाय, 16 ये हो गई, 9 कसाय और बची हुई हैं। परिहास अरति रति शोक भय ग्लानी तिविद संयोग पन बीस जु भेद भय इम इनके पस पाप किए हम। परिहास मैंने हास करके, क्या करके, हंस करके, दूसरों पर हंस करके या हंसी मजाक करके बकवास करके खूब हंसता रहा, तो हंसना भी एक कसाय है। क्या है? हंसता कौन व्यक्ति? जब तक राग नहीं होगा तब तक हंसोगे नहीं। एक कभी द्वेष में व्यक्ति हंसता है और कभी राग में व्यक्ति हंसता है। अरति किसी से प्रेम है, वस्तु से, किसी व्यक्ति से, तो वो भी क्या है? कसाय है। रति, अरति मतलब द्वेष, सॉरी द्वेष है, और रति मतलब प्रेम, किसी से शत्रुता है, किसी से मित्रता है, तो ये भी क्या है? कसाय है। शोक किसी इष्ट वस्तु का वियोग हो जाने पर होने वाला जो परिणाम है वो क्या है? शोक है। भय, भय कभी राजा का, कभी परिवार का, कभी किसी जानवर का, कभी किसी प्रकार का, कोई भी भय हो सकते हैं। इति 7 प्रकार के भय होते हैं। कितने प्रकार के भय होते हैं? कितने प्रकार के भय? 7 प्रकार के। सौचक्र अपने राजा का भय, परचक्र पर राजा का भय, अतिवृष्टि बहुत ज़्यादा पानी बरसात हो तो उसका भय, अनावृष्टि पानी ही न गिरे तो उसका भी क्या है? भय है। और इसके अलावा है कितने? नहीं नहीं वो वाले भय तो अलग हैं, ये इति वाले भय। कौन से भय? वो तो सम्यक दृष्टि को नहीं होते हैं, वो वाले भय हैं। अभी भय चल रहे हैं कौन से? इति भीति व्यापे नहीं, भीति मतलब भय, इति मतलब इति। 7 प्रकार की इति होती है। कितने प्रकार की? 7 प्रकार की इति होती है। तो वो इति की बात कह रहे हैं। कौन कौन बताया? सौचक्र, परचक्र, अतिवृष्टि और अनावृष्टि, और तीसरी है, चौथी है, नहीं हाँ पांचवी है, महाबीमारी, महामारी। क्या है? महामारी, जैसे कोरोना है, प्लेग है आदि, ऐसी महामारी फैल जाती है तो उससे भी आदमी को क्या होता है? नुकसान होता है। कितनी हो गई? और एक है चिड़िया, पक्षी, पक्षी आदि से भय। क्यों? यदि एक काल में बहुत सारी चिड़िया हो जाएंगी तो सारा खेत क्या कर जाएंगे? वो कितना भगाओगे तुम? जानवर तो भगा सकते, पक्षी कैसे भगाओगे? तो किसान को कैसा भय लगा रहता है कि कहीं मेरा क्या ना हो जाए, नुकसान ना हो जाए? तो उस संबंधी वाला जो क्या है? भय है। और फिर है एक जानवर संबंधी। कौन सा संबंधी? उसमें भय, उसमें आ गया मतलब चिड़िया आ गई, टिड्डी, टिड्डी आ गई। अभी टिड्डी बीच में आई थी ना, तो वो किसान को भय बना रहता है कि पता नहीं सुबह गए तो फसल मिलेगी या नहीं मिलेगी। फिर जानवर संबंधी, जैसे चूहे बहुत हो जाएं, एक काल में चूहे बहुत हो जाएं, तो सारे चूहे क्या कर देंगे? सारा सत्या नाश कर देंगे। तो इस प्रकार से कितने हो गए? 7 हो गए ना, सौचक्र, परचक्र, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, महामारी, जानवर संबंधी और पक्षी संबंधी। इन संबंधी क्या हैं? जीव को भय लगे रहते हैं, तो किसी से भय हो सकता है। ये वाले भय हो गए, और भी राजा का भय हो जाए, इस लोक का भय हो जाए, परलोक का भय हो जाए, मेरी तो कोई रक्षा करने वाले ही भय नहीं है, मेरे पास तो अपने पर रक्षा के साधन नहीं है, इसका भी भय हो सकता है, अगुप्ती भय, अरक्षक भय, ये सब हो भय हो सकते हैं। गिलानी, गिलानी मतलब जुगुप्सा, घृणा। ये घृणा भी क्या है? कसाय, द्वेष भाव प्रकट होता है। तिवेद, पुरुषवेद, स्त्री वेद, नपुंसक वेद, ये 3 वेद हैं। इन 3 वेद भी क्या हैं? कसाएँ हैं, राग हैं। क्या हैं तीनों? क्या हैं? राग। बिना राग के 3 वेद की वेदना प्रकट नहीं होती है। तो इन सब के संयोग से
कितने हो गए, पन 20, 16 ऊपर हो गए और यहाँ पर 9, तो कितने हो गए, पन 20 मतलब 25 भेद भय। इनके बस पाप किए हम, हमने क्या किया, 25 कसायों के बसीभूत होकर के निद्रावश शयने कराई, सुपने मधि दोष लगाई, फिर जागी विषय वन धायो, नाना विध विस्फल खायो। निद्रावश, निद्रा के वशीभूत होकर के शयन किया और ऐसे घोर निद्रा में गए कि फिर क्या पैदा हुए, सुपने मधि, सपने के मध्य में, सपने के मध्य में क्या लगाए, दोष लगाए, सो गए अधराती में और क्या सपने आ रहे, बढ़िया खाने के पीने के, बढ़िया ये सब के क्या हो गए, ठीक है ना। तो ये सपने आना चालू हो जाते हैं, आदमी तो सपना कहीं भी, यहाँ सो जाएगा तो यहाँ भी सपना देखने लगेगा। और सपने में अपने व्रत तोड़े, सबसे बड़ी बात क्या है, जो हमने व्रत लिए थे और रात्रि को भोजन दिख खाते दिख गए तुम, तो क्या हो गया, ठीक है ना, तो तुम्हारा क्या हो गया, व्रत टूट गया। इसलिए संस्कार ऐसे डालो कि ऐसे स्वप्न ही ना आए। जो व्यक्ति जो है रात को मोबाइल देखते देखते और टीवी देखते देखते सोएगा, उसको सपने गंदे आएंगे ही आएंगे। इसलिए एक घंटा पहले ये इडियट बॉक्स बंद करो, ठीक है ना, और क्या करो, एक घंटे पहले स्वाध्याय करो, तत्व चर्चाएं करो आपस में, जाप करो, भगवान को याद करो और अपनी आत्मालोचना करो और फिर सो जाओ, तो फिर आपको स्वप्न क्या नहीं होंगे। हाँ, दोनों हाथों को, दोनों पैरों को, चेहरों को बढ़िया साफ पानी से, प्रासुक पानी से धो और एक घंटे तक धर्म ध्यान करो, आपस में चर्चाएं, तत्व चर्चाएं ये सब करो, तो आपको रात को कोई भी स्वप्न में आपके व्रत आदि नहीं टूटेंगे। फिर जागी विषय बन, देखो सपने में तो दोष लगाया और जाग करके फिर क्या हुआ, फिर व्यसन में लग गए, नाना विध विष फल खायो, ये क्या हो गया, ये तो अनेक प्रकार के जो विष फल हैं, मतलब कि जो मुझे कर्म बांध सकते हैं, ऐसे अभक्ष वस्तुओं का मैंने क्या किया, विष के समान उनको ग्रहण किया। आहारे विहारे निहारा, इने में नहीं जतने विचारा, बिने देखी धरी उठाई, बिने सोधी वस्तु जुखाई। ये कितनी बड़ी बात कह रहे हैं, आहार भोजन, विहार चलना, निहार शुद्धि आदि, शौच आदि, मलमूत्र आदि, इनमें नहीं जतन विचारा, मैंने इसमें किसी प्रकार का जतन मतलब विवेक प्रयत्न यत्न अच्छे से नहीं धरा, नहीं मैंने अच्छे से इस पर उपयोग लाया और इन तीनों में मेरा क्या हुआ, दोष हुआ, पाप का भागी हुआ। बिन देखी धरी उठाई, और क्या किया मैंने, बिना देखे मैंने वस्तुओं को उठाया और धरा, उठाया ऐसे रख दिया, ना पीछे देखा ना कुछ, की उठा करके नीचे जीव है, जंतु है, कीड़े मकोड़े हैं, चींटी हैं, क्या है, बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। और बिन सोधी वस्तु जो खाई, क्या हुआ, अब जो व्यक्ति टीवी देखते देखते खा रहा है तो वो ऐसे करते करते खा रहा है तो वो क्या शोधन करेगा, बाल आए जाने दो, चींटी आए जाने दो, मच्छर आए जाने दो, कीड़े मकोड़े आए जाने दो। अब शाकाहारी हो, जो बिना सोधे खाता है वो व्यक्ति शाकाहारी नहीं है, वो व्यक्ति क्या नहीं है, वो नियम से मांसाहारी व्यक्ति है। जो बिन सोधे बनाता है और बिन सोधे खाता है वो व्यक्ति कैसा है, बोलो बोलो, आप कौन हो, कितने लोग हाथ उठाओ, ऐ सोध के बनाते हो, सोध के खाते हो, देख के खाते हो, देख के खाते हो, शोधन करते हो, और बताओ जीजी क्या चल रहा, चप चप करते रहते हो, मुंह में सीधे जाने दो, ठीक है। इसलिए खाते समय जो व्यक्ति मौन से खाएगा वो शाकाहारी होगा, क्या होगा। आचार्य जी कहते थे, भाई 24 घंटे कमाते हो, कम से कम जो है 10-15 मिनट आप जिसके लिए आपने किया है कुछ इतनी मेहनत, उसके लिए तो कम से कम 10 मिनट का टाइम दो ना, सोच करके, देख करके, मौन होकर के, भोजन को धन्यवाद, अपने भाग्य को धन्यवाद, बनाने वाले व्यक्ति को धन्यवाद,
ये सब अहोभाग्य से प्रेम भाव से उसको स्वीकार करो। और यह अनाज, यह जो भोजन है, मैं शरीर में ले रहा हूँ जिससे मैं मंदिर जा सकूँ, जिससे मैं जाप कर सकूँ, स्वाध्याय कर सकूँ, धर्म ध्यान कर सकूँ, इसलिए मैं ग्रहण कर रहा हूँ। ये सब भाव आएंगे तो पाप भी नहीं लगेगा, धर्म ध्यान होगा। तो खबरदार, जो बिना देखे बिना सोधे भोजन करते हैं और मौन से नहीं करते हैं, वो व्यक्ति कौन है? शाकाहारी नहीं है। वो कौन है? कौन है? हाँ, तो अब देख लेना, मुनिराज तो मौन से भी करते हैं, देख करके भी करते हैं, शोध करके करते हैं। देखते क्या करते हैं महाराज जी? लोग को सोचते महाराज जी पता नहीं क्या बीन रहे हैं, इसमें बढ़िया बढ़िया माल किस समय ये बीन रहे होंगे। नहीं, बीनते नहीं है महाराज जी। क्या करते हैं? मन में आगे की प्लानिंग नहीं है, मुंह में एक ग्रास है और एक शोधन चल रहा है कि यदि इसमें किसी प्रकार से मेरे निमित्त से कोई जीव मरा है तो फिर मैं इसको भी छोड़ दूंगा और मुक्का भी छोड़ दूंगा। तो जिनके हर ग्रास में त्याग की भावना चल रही है, आसक्ति के त्याग की भावना चल रही है, ये बहुत बड़ी तपस्या है। ठीक है, ऐसे नहीं कर रहे हैं कि बैठे टाइम पास कर रहे हैं शोधन के लिए, उसमें हर ग्रास को छोड़ने के भाव रखे हैं। ठीक है, तब ही परमा दे सतायो बहु विधि विकल्प जायो कछु सुध बुद्धि नाही रही है मिथ्या मति छाए गई है। तभी मेरे अंदर जब ये मैंने सब कुछ ढंग से किया नहीं, जो आया किया, खाया पिया मस्ती में रहा, तो इससे मुझे क्या आया? क्या आया? प्रमाद आया। आपको पता है प्रमाद भी आता है, और आपके जीवन में भी सुंदरता नहीं है और आपके शरीर में भी महक नहीं है, सुंदर महक नहीं, सुगंध नहीं है। जिन व्यक्तियों के पसीने आदि में बदबू आती है, ठीक है, बैठ जाओ तो ऐसी बदबू आती, व्यक्ति रह नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि उनका खाना पीना ढंग का नहीं है। मुनिराज के पसीने आते हैं, आप बाजू में बैठेंगे तो कभी पसीने से कभी बदबू नहीं आएगी, पानी जैसे रहेगा, कभी बदबू नहीं आएगी। जो प्याज खाते हैं, लहसुन खाते हैं, इनके पसीनों में ऐसी बदबू आएगी कि आप बैठ भी नहीं पाओगे, या कभी कभी तो उल्टियाँ भी हो जाती हैं। कभी कभी मुनिराजों को भी उल्टी हो जाती है उनके पसीने से, कि पास में खड़े हो जाते हैं तो उनको खाना नहीं खाया जाता और वो उल्टी उनको हो जाती है। इसलिए ऐसे लोग तो कभी दे नहीं, इसलिए बोलते हैं व्रति भोजन दे, व्रति भोजन बनाए और व्रति अपने हाथ से व्रति को भोजन। तो जो अब पास्ता खा रहा है, बर्गर खा रहा है, ये चाउमीन खा रहा है, बाजार की वस्तु जंक फूड्स खा रहे हैं, वो उनके शरीर में मतलब सड़ रहा है, अंदर से क्या हो रहा है? ये सड़ रहा है, और सड़ने की जो बदबू है वो सारे शरीर से क्या है? बाहर फेंक रही है। ऐसे व्यक्तियों की तो संगति नहीं करना चाहिए, पता नहीं कैसे बैठे रहते हो तुम लोग। तब ही प्रमाद सतायो, क्या है ये सब खाने पीने से क्या हुआ? प्रमाद सताया बहुविध विकल्प उपजायो, और फिर विकल्प उपजेंगे नियम से, अनेक प्रकार के फिर क्या होंगे? प्रमाद आएगा तो विकल्प भी आएंगे, और फिर उस विकल्प में कछु सुधि बुद्धि ना ही रहो, फिर कुछ शुद्ध बुद्धि नहीं रहा मेरे जीवन में, ना मैंने कुछ शुद्ध रहा, ना बुद्ध रहा, ना ज्ञानी रहा, कुछ जाना भी नहीं, और ये सब होकर के मिथ्या मति छाए गई। मेरी मति कैसी हो गई? बिल्कुल मिथ्या मति हो गई, झूठी मति हो गई, भ्रम मति हो गई, और वही मेरे में छाया रहा। अब मेरा नशा कुछ और ही चल रहा है, मैं किसी और ही दुनिया में जी रहा हूँ। ठीक है ना, जिस दुनिया में सिर्फ दुख ही दुख है उस दुनिया में जी रहा हूँ। तो ये करके मैंने बहुत दोष उत्पन्न किए हैं। हे प्रभु, मर जादा तुम ढिग लीनी, ताहू मैं दोष जोखीनी, भिन भिन अब कैसे कहिए, तुम्हें ज्ञान विशेष पहिए। मर जादा तुम ढिंग लीनी, मैंने तुम्हारे से जान करके क्या ली थी? मर्यादा ली थी, हर चीज़ की क्या थी? मर्यादाएं थी। ताहू मैं दोष जो की नहीं, फिर भी मैंने उसमें क्या किया? उसमें भी मैंने बहुत दोष पैदा किए। मतलब मर्यादाएं ले ली, नियम ले लिए, अथवा मर्यादा की वस्तु लेने का नियम लिया, लेकिन उसको तोड़ता रहा। तुम ढिंग, तुम्हारे चरण में,
तुम ढिंग तुम्हारे सानिध्य में ये लीनी मैंने संकल्प लिया था मर्यादा का, लेकिन ताहू में उसमें भी दोष जो कीनी क्या किया, जैसे मान लो कि तुमने प्रतिमा ले ली, व्रत ले लिए, नियम ले लिए, तो ये मर्यादा ले नहीं ली तुमने, ले ली ना, और उसमें मैंने आलस प्रमाद से क्या किया, उसमें भी क्या पैदा करता रहा, दोष पैदा करता रहा, ठीक है ना। भिन्न भिन्न अब कैसे कहिए, हे प्रभु उन व्रतों में भी मैंने इतने दोष लगाए हैं कि अलग अलग से मैं किसके किसके बारे में बताऊं, कितने कितने दोषों को प्रभु मैं आपको बताऊं। तुम ज्ञान बेसे सब पइए, तुम्हारे ज्ञान में सब प्राप्त है, तुम्हारे ज्ञान में सब प्रकाशित है, सब दिख रहा है, अब मैं उसे भिन्न भिन्न अलग अलग करके क्या बताऊं। हाँ हाँ मैं दुठ अपराधी, त्रस जीवन राशि विराधी, थावर की जतन न कीनी, और में करुणा नहीं। हाँ हाँ मैं दुष्ट अपराधी, त्रस दो इंद्री आदि जो जीव हैं उनकी राशि उनकी मात्रा को मैंने बहुत विराधना की, जैसे चींटियाँ पानी डालो सारी चींटियाँ मर गई, ठीक है ना, और प्रेस क्या कहलाते वो किचन में है कॉकरोच के लिए, हाँ वो तुम बोलो मैं क्यों बोलूँ, ठीक है ना, तो वो कराया मतलब कीटनाशक है, ठीक है ना, उन सबको डालना प्रारंभ किया, वो सब क्या हुए, और लकड़ी बढ़िया लगवा रखी है शौक से, और फिर उसमें क्या हो जाती है ऐ दीमक, और फिर क्या करते हो उसके लिए फिर इंजेक्शन क्या होते हैं वो ट्रीटमेंट कराते हो, उसमें कितने जीव साक्षात मरते हैं, तो मैंने ऐसे कितने जीवों की राशि की आराधना करी। अब जो भी आते हैं आगे बैठते जाना, ठीक है ना, जगह बहुत है। थावर की जो थावर पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति, इनका भी मैंने जतन नहीं की ना, इनका भी मैंने बचाने का प्रयास नहीं की ना, और उर में करुणा नहीं लेनी, मेरे अंदर करुणा ही नहीं थी, भर भर के बाल्टी से घंटों घंटों बाथरूम में बैठ के नहा रहे हैं भाई साहब, कितनी बाल्टी खत्म हो गई नहाने में, सावर में, इसमें उसमें, करुणा ही नहीं आ रही है कि मैं कितने जीवों को मार रहा हूँ, ठीक है ना, और नरक में जैसे जीवों को ना काट पीट करके मार मार करके तड़फा तड़फाया जाता है, ऐसी गीजर का पानी लेने वाले लोग, किसका पानी लेने वाले लोग, गीजर में क्या होता है छान के पानी तो आता नहीं है, टंकी में जो ऊपर रखी है आपके उसमें कितने जीव कब से पड़ गए, लोग सालों सालों सफाई भी नहीं करवाते हैं और उसमें बिलबिलाते जीव हैं, वो सारे के सारे जीव पाइपलाइन से कहाँ पर आ जाते हैं, गीजर में आते हैं, और आप बढ़िया स्विच ऑन करते हो और उसके अंदर क्या होता है वो हीटर हीट होती है, और उस हीट से क्या हो जाते हैं, ठंडे से नहा लेते तुम नहीं मरते, लेकिन तुमने कितने जीवों को तड़फा तड़फा करके, जैसे नरकों में तड़फा तड़फा करके लोगों को मारते हैं, ऐसे ही तुमने वो गीजर का उपयोग किया, तो उससे क्या हुआ, कितने जीव है। मंदिर में कभी गीजर नहीं होना चाहिए, पानी को छानो और स्वयं प्रासुक करो कुछ डाल करके, और उससे ही स्नान करो, गर्म करने की क्या ज़रूरत है, पानी को छान लो और उसमें कुछ लौंग का पाउडर डाल लो, तो कितने घंटे का हो गया, ठीक है ना, 6 घंटे का हो गया मर्यादा का, उसको 2 लोटा पानी डाला और अपने वस्त्र पहने और आ जाओ, उसकी आवश्यकता ही नहीं है, क्यों पाप करना, क्यों हिंसा करना, मंदिर भी आकर के घर में तो इतनी कर ही रहे थे और यहाँ भी आकर इतनी हिंसा करो, नहीं होना चाहिए। तो और मैं करुणा नहीं लीनी, भगवान मेरे अंदर तो करुणा नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, और मैं दुनिया को बताता हूँ मैं अहिंसक जियो, और कहाँ जीने दे रहे हो। पृथ्वी बहु खोद कराई, महला देके जागा चिनाई, पूनी बिन गाल्यो जल ढोल्यो, पंखा ते पवन वे। पृथ्वी वे मतलब का पृथ्वी को खोदने में लगे हुए हैं, ठीक है ना, यहाँ खोदो वहाँ खोदो, जहाँ खोदो वहीं खोदा, ठीक है ना, खोदते जा रहे हो। और महल आदि क्या बनाने के लिए, अपनी कोठी अपनी महल, बढ़िया आराम से रह रहे थे,
पड़ोसी की कोठी देख करके नहीं रह जा रहा, इसको भी तोड़ो। अब अभी तो बनाई थी 2-4-5 साल पहले, नहीं मजा नहीं आ रहा, अब इसको भी तोड़ो। तो एक महल, दो महल, चार महल खड़े करते जा रहे हैं। क्या करोगे? वहाँ भी जाके सोना है, यहाँ भी जाके सोना है, वहाँ भी रहना है, यहाँ भी रहना है, वहाँ भी खाना है, यहाँ भी खाना है। कोई नए मकान में नया खाना थोड़ी मिल जाएगा, कोई नए मकान में कोई नई नींद थोड़ी मिल जाएगी। जब मन ही बेचैन है तो नए मकान में भी नींद पूरी नहीं आएगी, और मन अच्छा है तो गरीबी में चंगा हो जाता है, वरना हर जगह जाके पंगा ही पंगा होता है। तो महल आदि के लिए मैंने क्या किया, बहुत जमीन की खुदाई की। कितने जीव मरे? असंख्य जीव मरे। जागा चिनाई, और वो जागा में चिनाई कराई। महल आदि बनाने में क्या करोगे? उस जगह में खुदाई, चिनाई, ये सब कुछ गुदाई सब करोगे। पुनी बिल गाल लियो, जल ढोल लियो, पुनः उसमें बिल गाल लियो, बिन गाल लियो बिना छना, बिन गाल लियो बिना छना जल ढोल लियो। क्या किया उसको बनाने में? क्या करोगे? बिन छन जो है जल डालते रहे और उसकी सिंचाई करते रहे, गाढ़ा बनाया तो उसकी सिंचाई करते रहे, कटाई छटाई करते रहे, ये सब। और गर्मी लगी तो पंखा ते पवन बेलो लियो। क्या? किसे? पंखे से। पता है ये हवा जो वायु का एक जीव है, एक जीव मेरे शरीर से आके टकराए तो मुझे पता ही नहीं चलेगा कि एक वायु का एक जीव आके टकराया है। असंख्यात जीव एक साथ टकराते हैं तो मुझे चलता है कि कुछ हवा है, और उससे भी ज़्यादा असंख्यात जीव जाके टकराएंगे तो मुझे लगेगा कि हाँ थोड़ी और अच्छी हवा हो रही है, और उससे और भी अच्छी हो रही। तो कितने असंख्यात जीव आके टकराते हैं, पंखा चल रहा है ना, कितने असंख्यात जीव मरते हैं और फिर आके हमसे टकराते हैं, तो आकर के हमको लगती है कि क्या हो रही है, हवा हो रही है। तो ये तो बात ही नहीं कि ठीक है पंखा का नाम लिया तो पंखा तो इसका भी नाम है, और वो भिजना वाला जो पंखा है तो पंखा पवन विलोल्यो, क्या किया उसको हवा से अपने क्या किया से विलोया, ठीक है ना। उससे भी क्या हुए, उससे भी क्या हुए, जीवों की हिंसा हुई। हाँ हाँ में अद्याचारी बहु हरते काय जुविदाई, तामद जीवन के खंदा हमें खाए धरी। हाँ हाँ मैं अद्याचारी हूँ, पापी हूँ, बहुत हरित खाई, जो बहुत हरित है वनस्पति है उसको मैंने, एक सब्जी से काम चल सकता था, 10 बनाने की क्या ज़रूरत थी, और ज़्यादा ज़्यादा बना करके फेंकने की क्या ज़रूरत थी। कभी कभार एक आध फल का, जब बीमार व्यक्ति होते तब फल खाते थे, जब फल कब खाते थे, जब आदमी जब कोई बीमार होता था तो उसको क्या खाते थे, फल खाते थे। और अब तो फैशन में आ गया, ठीक है सलाद फैशन में आ गई, क्या क्या चीज़ फैशन में आ गया। तो एक वस्तु से भी काम चल सकता था, बहु हरित खाई, और एक एक हरित में कितने जीव होते हैं, तो उनको मार के खाया विदार करके। तामदी जीवन के खंदा, ये मेरे जीवन के मध्य में ऐसे खंदा पैदा हुए हैं, मतलब संकट आए हैं। हम खाए और धरी आनंद, खंदा मतलब कंद आदि, ऐसे मैंने जीवन में बहुत कंद आदि जो खाने योग्य नहीं उनको खाया, और हम खाए धरी आनंद, इन खंदा को, इन कंद आदि को खाया, और खा के भी क्या माना, ऐ आलू का पराठा मम्मी मज़ा आ गया, क्या बनाया, हमें तो मम्मी के हाथ का ही आलू का पराठा अच्छा लगता है, बाकी तो किसी का नहीं लगता है। तो क्या हुआ, तुमने वो कंद खाया, वो कितने अनंत अनंत जीव थे उसमें, और उसको तुमने उबाला मारा और फिर बढ़िया उसको खाया, और खा के क्या मना रहे हैं, आलू की सब्जी तो मम्मी कुछ भी कहो, मेरी पत्नी बैगन को बहुत अच्छी बनाती है, तो बैगन गोभी ये वो सब चीज़ें, कितने जीव हो इसमें, और उनको क्या कर रहे हैं, उबाल उबाल के तुम लोग सब खा भी रहे हो, खा के क्या मान रहे हो, ऐ तेरे हाथ का भोजन तो ऐसा लगता है कि उंगलियां चाटते रह जाओ, ऐ ये क्या है। हाँ हाँ पर माधव साई बिन देखे अग्नि जलाई, तामध जीव जे आए ते हूँ पर लोग सीता। हाँ हाँ हे प्रभु धिकार है,
प्रमाद बसी हो करके बिन देखे अग्नि जलाई। मैंने क्या किया, बिन देखे मतलब क्या है, जैसे लकड़ी उठाई जला दी, उसका लकड़ी का शोधन नहीं किया, कोयला उठाया जला दिया, ईंधन का शोधन नहीं किया, जो आपके गैस के बर्नर होते हैं उसको कभी शोधन करते हो, उठाया और चट कर दिया, उसके अंदर कॉकरोच बैठा हुआ है या कोई जीव बैठा हुआ है, कोई चींटी चली गई, कुछ भी चला गया हो, और जलाते क्या हो जाएगा, वो एक मिनट में जल करके वो राख हो जाएगा। वो बंधन में रहते हैं, बहुत सारे जीव रहते हैं उसमें, क्योंकि सामान गिरता रहता है तो वो जाते हैं, वो जीव तुम्हारे रात भर में चढ़ते रहते हैं, अंदर छेदों में चले जाते हैं, और फिर तुमने जलाया एकदम से और क्या किया, स्वाहा कर दिया उनको। तो ऐसे ही पहले कोयला आदि रहते थे, उठाया, और पहले महिलाएं कोयला भी शोधन करती थी, लकड़ी का भी शोधन करती थी, धूप में लकड़ी डालती थी, कहीं इसमें दीपक तो नहीं लग गई, कोई जीव जंतु तो इसमें नहीं पैदा हो गया, गीली लकड़ी कभी जलाते भी नहीं थे, ये सब शोधन होता था। अब नहीं हुआ, उठाया और अग्नि में डाल दिया। तामध्य जीव जे आए, क्या हुआ पारसनाथ को, क्या हुआ, जा रहे थे ना राजकुमार, हे तपस्वी यह साधना सही नहीं, ये यज्ञ सही नहीं, इस लकड़ी के अंदर नाग नागिन हैं, अध मरे हो चुके हैं, जल चुके हैं, तू मुझे आके बताएगा, छोरा ज्ञान देगा, देखो, देखा और उसमें क्या तड़पते हुए जलते हुए क्या बोलते वो नाग नागिन देखे, उनको संबोधन किया, धरणेन्द्र पद्मावती बने वो, ठीक है। तो तेहु परलोक सताए, मृत्यु हो गई उनकी और चले गए। बीधो अन राती पिसायो, ईंधन बिन सोधी जलायो, झाड़ू ले जागा बुहारी, चीटी आदिक जीवे। बीधो बीत गया है, अनराती जो रात्रि बीत गई, मतलब कि दिन बीत गया और अब क्या आ गई रात्रि, और रात्रि में तुम क्या कर रहे, सारे के सारे खाने के आटा पिस रहा है, कहीं मसाला पिस रहा है, कहीं ये हो रहा है, तो सब चीज़ बन रही है, तो ये क्या हो गया, रात्रि में बनाई हुई चीज़ें खाने योग्य नहीं हैं, वो दिन में भी खाने योग्य नहीं हैं, ठीक है ना। ईंधन बिन सोधी जलायो, और जो ईंधन है लकड़ी आदि है उसे बिना सोधे क्या किया, जलाया। झाड़ू ले जागा बुहारी, जागा जगह स्थान, झाड़ू को लेकर क्या हो गए, स्टार्ट हो गए, अब तो झाड़ू माड़ू कुछ नहीं, अब तो वो एक वो आता है वाइपर, और दूसरा जो आता है वो बैक, क्या बोलते हैं, इतनी स्पीड से आओ सब मरो, अंदर जाओ, चिंता नहीं करो, कोई चीटी मकोड़ी मच्छर यहाँ कुछ दिखाई नहीं देंगे, ठीक है ना। और वो एक आता है हीट, क्या बोलते वो हंट, क्या होता है वो, लगाओ तो मच्छर भी, वो एक जगह देखा वो बेड में पट पट चट 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 क्या चल रहा था, है वो बेड ले लिया इलेक्ट्रॉनिक वाला, जो मच्छर देखा पट चट, ये क्या है, कितनी हिंसा, तुम्हें ऐसा कोई व्यक्ति मारे कितना दुख होगा तुमको, कितना कष्ट होगा। चीटी आदिक जीव विदारी, बुहारी लगाई, झाड़ू लगाई, और चीटी जितने भी हैं सब क्या हो गई, उनकी अदना हो गई। जल छानी जीवानी कीनी, सोहु पुनी डारी जो दीनी, नहीं जल थानक पहुँचाई, कीरिया बेने पापे। ये सब तो करते नहीं है, आत्मा आत्मा चिल्लाते रहते हैं लोग, आह आत्मा में घलू आनंद आयु छे, तू परमात्मा हो, तू परमात्मा है, तू भगवान आत्मा है, ऐसी ऐसी बातें करते रहते हैं, और जब नंबर आता है तो इन्हें कुछ नहीं पता चलता हम कर क्या रहे हैं। वो ऐसी बातें करने वाले लोग और ये पालन नहीं करते हैं, नरक निगोद में जाके बैठे मिलते हैं कि तुमने कितना पाप किया है। सिर्फ बातों बातों से क्या होता है, बोलते रहो मैं अलग हूँ, शरीर अलग है, ये अलग है, मकान अलग है, परमात्मा अलग है, आत्मा अलग है, ये सब बातें करते रहो, इससे कुछ नहीं होगा। ये सब बातें तब काम की हैं जब तुम इस प्रकार का आचरण भी करो, कि बाह्य का जो आचरण है उसमें तुम्हारा सम्यक आचरण है या नहीं है। जल छानी जीवानी की नी, सोहु पुनि डारी जो दीनी, और उसको यहाँ वहाँ डाल दिया, क्या करिया, छान लिया और उसको यहाँ वहाँ बहा दिया, तो जीव तो अपने स्थान पे पहुँचाए नहीं, तो उसकी हिंसा हुई। नहीं जल थानक पहुँचाई, क्या कि उसको जल थानक, जहाँ उसका स्थान था जल का, वहाँ तक नहीं पहुँचाया। बिन क्रिया बिन पाप उपाय, जो जल छानने की जो क्रिया थी उसके बिना आपने क्या किया, पाप को उत्पन्न किया।
जल मल मोरिन गिरवायो, क्रामी कुल बहु घात करायो। नदियन बीच चीर धुवाए कोसन के, जल को मल से युक्त होकर के मोरिन गिरवायो, मोरी होती घर की, ठीक है ना, उसमें आपने जैसे कपड़ा धोया बाल्टी में तो उसका सर्फ वाला कपड़ा हो गया मलयुक्त हो गया, जल मल, जल कैसा हो गया, मल से युक्त हो गया, और उसको तुमने मोरी में छोड़ दिया। अब वो नाली नाली में जाएगा, जो जो जीव मिलेंगे उनकी आँख नाक कान सब फूटती जाएगी, और वो इतना एसिड होता है और उससे वो मरते जाएंगे, उनके प्राण जाते जाएंगे। आपने कफ थूका तो कफ भी नाली से गया तो वो कफ में जीव फंस जाएगा और उससे भी क्या हो जाएगा, खुले में जाना चाहिए, खुले में रहो, खुले में नहाओ, खुले में ये सारी चीज़ें ऐसे होती थी, ठीक है ना। हम क्या करें, लिखा है जो लिखा में बाँचना है, पाप तो पाप हो ही रहा है ना। पंचम काल महा दुखदाई, धर्म करम सब, बस बस कीर्तन नहीं करने का, एक लाइन ही समझने का कि पंचम काल कैसा तुम्हारा है, इतना दुखदाई है, धर्म कर्म सब तुम अपने धर्म का निभा रहे हो। अभी मुनि बनने की तो बहुत बड़ी बात है, अभी तो जहाँ हो वहीं पर इतना पाप अर्जन हो रहा है, इसलिए कहते बहुत धर्म ध्यान करो, ज़्यादा धर्म ध्यान करो, क्योंकि इतना पाप कमाते हो, मतलब 90% दिन भर में पाप करते हो, 10% पुण्य करते हो, तो कहाँ तक बैलेंस पूरा होगा। तो बैलेंस पूरा करने के लिए तुमको 90% पुण्य करोगे तब जाके तुम्हारा बैलेंस दिन भर का पूरा होगा। आगे की तो छोड़ दो, आगे की तो पता नहीं अभी, ठीक है ना। तो क्या हुआ, क्रमी लट आदि कुल मतलब उनके पूरे समूह बहु घात करायो, क्या हुआ, ऐसे क्रमी कीड़े मकोड़े आदि क्या हुआ, जब उन मोरी में जल गिरवाया तो क्या हो गया, वो सारे के सारे मर गए। और फिर शौक हुआ स्विमिंग पूल में नहाने का, नदी में नहाने का, समुद्र में नहाने का, नदियन बीच उसमें नहाया तो नदी में घुसते तो कितने जीव मरे। और फिर कपड़े आदि चीर, चीर मतलब कपड़े धोवाए, धोबी को देते हो ना, किसको देते हो, धोबी, तो धोबी कहाँ धोए का जा करके, ऐ सरोवर में नदी में उसमें जा करके। और दिल्ली के तो धोबी जो हैं ना सरोवर में जाते हैं, नाले में धो के लाते हैं, कहाँ लाते हैं, सारे तुम्हारे कपड़े कहाँ धुल के आते हैं, लोगों की जितनी गंदगी निकलती है घर से उस वाले पानी में वो पहनने के लायक भी नहीं है, इतने गंदे पानी से धुल के आया है कि वो कपड़ा पहनने के लायक भी, मैंने देखा जब जाता हूँ ना तो जितने नाले के पास बैठे रहते धोबी धोते रहते हैं, पानी से साफ करते रहते हैं। तो वो चीर धुलाए, वस्त्र धोए, वस्त्र धोया जैसे अपने सामान लगाए और पानी में डाला, फिर सामान लगाया फिर पानी में डाला, तो वो क्या हुआ, वो गंदगी साथ साथ गई, उससे जीव मरे। कोसन के जीव मराए, एक थोड़े बड़े नहीं बहुत जीव। अन्नादि के शोध कराई, ताते जो जीव निसराई, तेने का नहीं जतने कराया, गलियारे धूप डराया। डरना मत, अब सामायिक पाठ आज नहीं करेंगे, टाइम बहुत हो गया है, इसके बाद प्रतिगुण करके और फिर आप लोग आरती करना, टाइम बहुत हो गया ना। अन्न आदिक शोध कराई, चलो ठीक है, महाराज ने कहा था अन्न का शोधन करना चाहिए, हमने शोधन बिल्कुल देख देख करके शोधन कर लिया। ताते जो जीव निसराई, अब उससे जो जीव थे क्या हुआ, जैसे गेहूँ में जीव पड़ गए, चावल में जीव पड़ गए, हल्दी आदि में पड़ गए, अब उसको हमने क्या कर दिया, फटक फटक करके साइड कर दिया, अलग कर दिया, तो क्या करना चाहिए, फिर अपना काम तो हो गया, भाड़ में जाए जीव। तो जिन तिनका नहीं जतन कराया, मैंने उसमें कोई यत्न नहीं किया, विवेक नहीं किया, विवेक नहीं लगाया, और कहाँ गलियारे धूप डराया, जो गली चल रही है उसमें उठाया पेपर में और चौथी मंजिल से जाओ खुद खुशी कर लो। क्या किया, पहली मंजिल, दूसरी मंजिल, चौथी मंजिल, जहाँ से भी रहा या ग्राउंड फ्लोर से जहाँ से रहा, उठा के कहाँ फेंकते हो, सीधे कहाँ फेंक देते हो, गलियारे जो आपकी गली है जहाँ लोग गाड़ियाँ चल रही हैं, पैदल चल रहे हैं, और वहाँ पे तुमने उसको, क्योंकि तुम्हारा काम तो क्या था, शोधन करना, हम नहीं खाएं जी, वो मर जाए भले, तो ऐसा शोधन किस काम का,
तो गलियारे या धूप डराया, क्या कर दिया, धूप में छोड़ दिया, तो वो क्या होंगे, वो सारे के सारे मर जाएंगे। तो आपने तो अपना काम कर लिया, लेकिन बेचारों को तो राम नाम सत्य कर दिया। तो ये अच्छी चीज़ नहीं है, और ऐसे बहुत लोग करते हैं, ठीक है ना। अच्छा, ये जुए भी मारते हैं बैठे बैठे, निकाल करके कट 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 कट, ये जुए भी मारते रहते हैं, बहुत जुए होते हैं सिर में महिलाओं के, तो निकालते हैं। तुम लोग के तो बाले नहीं होते हैं। ऐसे निकालते हैं और नाखून के अंदर रखते हैं, कट ऐसे करते हैं। अथवा अथवा दोपहर का टाइम मिलता है, एक घंटे तुम मेरे निकालो, मैं तुम्हारे निकालो, और पानी का डब्बा रख लेंगे और उसमें अब तुम वैसे नहीं मारते हो, अब शैम्पू से मारते हो। कैसे मारते हो? अरे भैया तुम्हें क्या पता है, लीक पड़ती पड़ती है, लीक पड़ेगी, जुए पड़ेंगे, ठीक है ना, पैदा होंगे, और तुम शैम्पू साबुन ऐसे चीज़ें को यूज करते हो जिससे वो क्या होते हैं, उनसे मर जाते हैं। तुम बोलते होते नहीं हैं, वो मर जाते हैं तुमसे। छोटे बड़े बारीक लीक होती हैं, वो पैदा होती दिखती नहीं हैं, और वो सब उससे क्या हो जाती हैं, मरती हैं। पुनि द्रव्य का मामन काजे, बहु आरम हिंसा साजे, किए तिसना बस अग भारी, करुणा नहीं रंच विचार। बहुत सारा पैसा 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 कमाने के चक्कर में बहुत आरम हिंसा, जो काम मिला करो बस, क्या उससे क्या आना चाहिए, पैसा आना चाहिए। शराब का धंधा अरे करो, कोई दिक्कत नहीं, पैसा हम थोड़ी पी रहे हैं, हमारा तो पीते ही नहीं है। एक सज्जन बोला, महाराज जी पीता नहीं हूँ, और बाई चांस कभी, बाई चांस कभी पीना पड़ा तो छन्ना में सांस लेके चलता हूँ। मैंने कहा क्यों भाई, क्यों छन्ना सांस लेके चलते हो? बोले मैं छान के पीता हूँ, कोई उसमें जीव ना रहे। मैंने कहा कमाल की बात कर रहा था। नहीं नहीं, आपने बताया था हर चीज़ छान के पीना, तो मैं उसको भी। और बहुत सारी महिलाएं भी पीने लगी हैं। कितनी महिलाएं पीती, जरा हाथ उठाओ। अच्छा, कितने का त्याग है, जरा हाथ उठाओ। अभी हाथ नहीं उठ रहा, बता रहा हूँ, पूरा हाथ उठाओ, वरना समझ जाऊँगा मैं। दोनों हाथ उठाओ, बोलो हे भगवान, आज के बाद हम थोड़ी बोले नहीं, तुमने पीछे भले नहीं पिया, पिया नहीं पिया है मतलब नहीं है, हम तो आज से क्या करा रहे हैं। अभी उनका नंबर आएगा, चिंता नहीं करो, पहले आप लोग उठाओ हाथ पहले। अरे बोलो हे भगवान, बोलो। यदि आप लोग इसकी तरफ देख रहे हो इसका मतलब तुम लोग पीते हो। पहले आप लोग हाथ जोड़ो, हे भगवान, आज आपके साक्षी में हम नियम लेते हैं, कभी भी शराब नहीं पिएंगे, चाहे देसी हो, चाहे हो, अरे हाथ जोड़ो, चाहे देसी हो, चाहे विदेशी हो, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, कोई से भी शराब नहीं पिएंगे, सिगरेट भी नहीं पिएंगे। अरे अरे सुनो, अरे तुम्हारा नंबर याद, चिंता नहीं करो, हाथ जोड़ो, बोलो सिगरेट भी नहीं पिएंगे, मतलब कोई स्मोकिंग नहीं। और सुनो, वो क्या फेवर क्या होता, क्या होता वो, हुक्का 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 बार, हाथ जोड़ो हाथ जोड़ो हाथ जोड़ो, अरे हाथ जोड़ो ऊपर, ऐसे ऐसे दिख नहीं रहा, ऐसे करो, हाँ फोटो लो भाई, ए वीडियो घुमा, एक एक की वीडियो आना चाहिए, अब घुमा, हाथ उठाओ सब लोग, बोलो हे गुरुदेव, हाथ उठाओ, हम कभी हुक्का बार नहीं जाएंगे, घर में भी हुक्का नहीं लाएंगे, किसी पार्टी में भी हुक्का होगा तो वहाँ भी नहीं पिएंगे, फ्लेवर्स भी नहीं पिएंगे, जो उसके फ्लेवर्स होते हैं ना, क्या होते हैं। फोटो फोटो लो, तुम क्या कर रहे हो, आगे जाओ, अरे हाथ उठाओ हाथ उठाओ, सबकी फोटो आना चाहिए,
किसी भी हुक्का फ्लेवर्स नहीं पियेंगे, बोलो, हुक्का को हाथ ही नहीं लगाएंगे, बोलो, देखेंगे भी नहीं। चलो ठीक है, अब हाथ जोड़ो, हाथ जोड़ो। तम्बाकू, गुटखा, किसी भी प्रकार का सेवन, नशा वाला कोई भी सेवन होगा, नहीं खाएंगे, नहीं पिएंगे। बोलो नशा, और नशा जीवन को नाश करता है, शरीर को नाश करता है, परिवार को नाश करता है। चलो आप हाथ उठाओ, हाथ क्यों उठा रहे हो? हाथ उठा, फोटो खींच भाई, इधर वीडियो कर। हाँ हाथ उठाओ सब लोग। हाँ, कभी भी शराब नहीं पिएंगे, गुटखा नहीं खाएंगे, तम्बाकू नहीं खाएंगे, कोई नशा नहीं कर। ये मना कर रहे हो, क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो? ये कह रहे हैं मना मना मना, ऐसे ऐसे कर रहे हैं। भगवान, हाथ जोड़ो, ऐसे नहीं करो, हम समझ गए तुम क्या कहना चाह रहे हो। हाथ जोड़ो। हाँ, हम लोग कभी भी, बोलो, कभी शराब नहीं पिएंगे, बीड़ी सिगरेट नहीं पिएंगे, मांस मदिरा का सेवन नहीं करेंगे, कोई भी नशा नहीं करेंगे, और वो हुक्का भी नहीं पिएंगे। हाँ, ताश भी नहीं खेलेंगे, बोलो। हाँ बोलो 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 बोलो, ताश भी नहीं खेलेंगे, बोलो, अरे बोलो ना। और जुआ नहीं खेलेंगे, मतलब जुआ नहीं खेलेंगे, लॉटरी में पैसा नहीं लगाएंगे, बोलो बोलो, लॉटरी में पैसा नहीं लगाएंगे, एक का चार नहीं करेंगे, एक का चार नहीं करोगे, एक का दो करोगे, तीन करोगे, चार नहीं करोगे, ठीक है? और सुनो, और वो क्या बोलते कि जहाँ ये जुआ खेल हो रहा होगा वहाँ भी नहीं जाएंगे, बोलो, गोवा जाते हो ना, है? कैसिनो, हाँ बोलो, कैसिनो नहीं खेलेंगे, बोलो, जहाँ कैसिनो होता हो वहाँ भी नहीं जाएंगे, ठीक हो? चलो ठीक है। मैंने काजे बहु अरविंसा साजे, किए तिसना बस अग भारी, करुणा नहीं रंज। बहुत सारा पैसा कमाने के चक्कर में बहुत हिंसा वाले पाप वाले आपने बिजनेस किए, व्यापार किए, और तृष्णा बस, तृष्णा के बस अघ भारी, बहुत सारे अघ किए, पाप किए, करुणा नहीं रंच बेचारी, और किसी प्रकार की करुणा, रंच मात्र भी करुणा नहीं रही। इत्यादि के पाप अनंता, हमें कीने सिर भगवंता, संतत चिर काल उपाई वाणी ते। इत्यादि, आदि आदि आदि, डॉट 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 डॉट, अनंत पाप, कितने पाप किए, बहुत पाप किए, हम कीने श्री भगवंता, हे भगवान हमने बहुत किए किए। वो ऐसा तुमने कि हाँ महाराज जी त्याग है, ऐसा तो नहीं बोला तुमने ना, हाँ महाराज जी त्याग है, महाराज जी का त्याग है, और महाराज जी भी त्याग है, महाराज का त्याग है, ऐसा नहीं बोलने का। संतति चिरकाल उपाय, संतति परंपरा से, अनादि से, चिरकाल तक, परंपरा से चिरकाल तक उपाय, ऐसे उपाय मैंने किए हैं पाप के, वाणी ते कहिए ना जाई। परंपरा से, अनादि काल से ऐसे ही पापों को मैं पैदा करता रहा, उत्पन्न करता रहा, और जिनको मैं अपनी वाणी से आपके सामने क्या कहूँ प्रभु। ताको जो उदय अब आयो, नाना विद मोहि सतायो, फल भुंजत जिय दुख पावे, करीगा। अब उसका पाप का उदय आया है, उदय आया है, नाना विद मोहि सतायो, अब मैं मोहित हो रहा हूँ, अब मुझे कुछ समझा रहा तो समझ में नहीं आ रहा है, उस पाप कर्म के उदय से। फल भुंजत, उन फलों को भोग करके जिए जिए आत्मा दुख पावे, क्या पाया इस चेतना ने, इस आत्मा ने, उन फलों को भोग करके क्या किया, बहुत दुख पाया। बचते कैसे करी गावे,
वचनों से कैसे कहें और कैसे उसका बखान करें, कैसे उनको गावें। हम तो कितना बताएं, अब तो हम इतना ही कहना चाहते हैं। तुम्हें जानते केवल ज्ञानी, दुख दूर करो शिव थानी। हम तो तुम्हें शरण लही है, तारण विरद सही है। तुम जानत केवल ज्ञानी, आप तो सब मेरे पापों को जानते हो प्रभु, दुख दूर करो। अब तो अब रहा नहीं जाता, अब तो आप क्या करो, हे शिवथानी, हे मोक्षगामी, आप मेरा क्या कर दो, दुख दूर करो। और शिवथानी, शिव में स्थान दो, सुख में स्थान दो, मोक्ष में मुझे क्या दो, अब स्थान दो। हम तो तुम शरण लही है, अब तो हमने क्या कर लिया, अब तो हम आपके शरण को प्राप्त कर लिया है। जिन तारण विरद सही है, सही है बात, ये दुनिया में बात बिल्कुल सही है कि विरद, विरद के अर्थ बताए थे मैंने, एक होता है यश, एक होता है शिष्य। तो दुनिया में बिल्कुल बात सही है कि जिन तारण, जिनेन भगवान ही शिष्यों को तारण क्या करते हैं, तारने वाले, भक्त को तारने वाले होते हैं। तो अब यहाँ से जो है बात जो है, भगवान को मस्का लगाया जाएगा, क्या कर जाएगा, मतलब कि बातें दी जाएंगी कि प्रभु आप नहीं तारोगे तो कौन तारेगा, ठीक है, हम आपके पास आ गए और आप ही हमारे दुख दूर नहीं करोगे तो कौन करेगा। तो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया जाएगा, उदाहरण दिया जाएगा, और उस उदाहरण से भगवान को जगाया जाएगा, प्रभु अब जागो और हमें ठीक कर दो, हमें सुख दे दो। एक गाँव पति जो होवे, सो भी दुखिया दुख खोवे। तुम तीन भुवन के स्वामी, दुख मेटो हे अंतर्यामी। हे प्रभु, आपको पता है एक गांव का पति सरपंच, गांव का पति कौन होता है, सरपंच होता है। उस सरपंच के पास भी जाके अपनी कुछ समस्या लेके जाओ तो वे भी क्या कर देता है, समस्या को हल कर देता है। कोई बात नहीं, बेटी शादी में मैं सहयोग करूंगा, कुछ दिक्कत है खेत के लिए मैं दिक्कत दूर करूंगा। तो सो भी दुखिया दुख हो गए, वो दुखियों के दुख को खो देता है, कौन कौन, एक गांव का, कुछ भी उसके पास नहीं है, लेकिन वो भी सरपंच भी, गांव का पति भी उसके दुख दूर कर देता है। और आप गांव के पति नहीं हो, तुम तीने भुवन के स्वामी, तुम क्या हो बोलो, और हम तो बहुत छोटे, कितने भरा, अभी कम, भरा कहाँ है ज्यादा, अभी इतने से तो लोग हैं, बहुत कम लोग हैं, और आप तीन भुवन के स्वामी। दुख मेटो अंतर्यामी, ठीक है ना, कितने लोग दुख दूर चाहते हैं, बताओ तो फटाफट हाथ उठाओ, ठीक है ना, सब मेरे साथ चलना। दुख मेटो, प्रभु ये कहते हैं कि मेरे मार्ग में आ जाओ, अनुव्रत धारण कर लो, महाव्रत धारण कर लो, और तुम्हारे दुख, जब वो उपाय बताएंगे तो उपाय मानोगे तभी दुख दूर होंगे, कि बस बोलते बोलते रहो दुख दूर हो जाए, जाओ पाप करो दुख दूर हो जाए, ठीक है ना, खूब कीचड़ लगाओ गंगा स्नान कर लो, ऐसे नहीं चलेगा, जो कह रहे हैं उनके मार्ग में चलो दुख दूर हो जाएंगे। अच्छा, तो अब यहाँ पे भगवान को वो ना एग्जाम्पल दे रहे हैं, क्या दे रहा है कभी, कि देखो एक गांव वाला था, उसने दुख दूर कर सकता है, आप तीन लोग के दूर हो। अब हम आपको प्रमाण दे रहे हैं, आपने किन किन लोगों के दुख दूर किए हैं, हमें आप मना कर दो, नहीं नहीं जाओ जाओ जाओ, हम तुम्हारे दुख दूर नहीं करेंगे, हम नहीं करते, हमारा काम ये नहीं है, तो हमसे झूठ मत बोलो प्रभु, हमने देखा है आपने बहुत लोगों के दुख दूर किए हैं, उसमें एक मैं भी हूँ, मेरे भी, किन किन के दूर किए हैं, देखो, द्रौपदी को चीर बढ़ायो, सीता प्रति कमल रचायो, अंजन से किए आकामी, दुख मेटो अंतर। तुरंत एग्जाम्पल दे दिया हमने, आप ही ने बताया है, आपने किया है, द्रौपदी को चीर बढ़ायो, जहाँ उसकी लाज लोग जो है ऐसे कर रहे थे, और आपने उसके वस्त्र को, उसने पंच परमिष्टि का ध्यान किया, क्या किया द्रौपदी ने, उसको तो पता था मेरे पंच परमिष्टि हैं और कोई दूसरे है नहीं है, और जैसे ही पंच परमिष्टि को स्मरण किया और वस्त्र क्या होते गया, तो किसने बढ़ाया, आपने बढ़ाया, ये तो हमने पढ़ा है,
पंच परमेश्वर भगवान से ऐसा हो गया, सीता प्रति कमल रचायो। और जो सीता थी जब अग्नि की परीक्षा दी जा रही थी तो उसने किसको ध्यान किया था? पति को, लोगों को, किसको? बोलो, आप ही का ध्यान किया था। है पति तो डाल रहा था अग्नि में, वो उसका क्या ध्यान करेगी? किसका ध्यान किया था? बोलो, आपका ही ध्यान किया था। और आपका जब ध्यान किया तो आपने क्या कर दिया? कमल रचायो, क्या हो गए? पैरों के नीचे कमल रचना हो गई और अग्नि का कुंड भी जल कुंड कर दिया। अंजन से किए आकामी, और अंजन निरंजन हो गया। किससे हुआ बोलो? अंजन किससे हुआ? क्या धारा था वो? नमो रिहंताणम, नमो सिद्धाणम। आपको तो ही नमस्कार कर रहा था, आपका ही तो ध्यान दा रहा था। और वह अंजन जैसा चोर व्यसनी व्यक्ति भी आपके ध्याने से विद्या सिद्ध हो गई, मुनि बन गया और मोक्ष चला गया। ये आपके ही तो उससे हुआ है। तो इसलिए दुख मेटो। और अब आगे बात बहुत अच्छी हो रही है कि भैया मैंने तो उदाहरण भी दे दिया, एग्जाम्पल भी दे दिया और अपने बहुत पाप भी गिना दिए। अब सीधी सी बात है कि आप मेरे पापों को अब मत उघाड़ो। अब आके तुम बोलो तू ये करता है, तू वो करता है, ऐसा नहीं करता, वैसा करता, हमने सब आपको बता दिए, अब ज़्यादा बात मत करो, ज़्यादा मत बोलो, ठीक है? तो अब क्या कह रहे हैं? मेरे अब गुण नाचि तारो, प्रभु अपना विरद निहारो, सब दोष रहित कर स्वामी, दुख मेटो अंतरयामी। मेरे अब गुर नाच तारो, अब बैठ गए हम आपके पास, आ गए, डांटना फटकारना चालू कर दिया, क्यों शराब पी रहा था, क्यों ऐसे कर रहा था, क्यों ऐसे कर रहा था, क्यों और लग जाए पाप में, ये सब फालतू की बातें बहुत बंद करो, ठीक है? और हमारे अब गुण को अब मत उगाड़ो ना, बताओ, हमने तो अपना जो था सब बता दिया और अपना तो जीवन आपके चरणों में क्या कर दिया, मुनि बन के क्या कर दिया, चरणों में आपके जीवन सौंप दिया। हमें नहीं मतलब दुनियादारी से, हम तो आपके चरणों में बैठे हैं। प्रभु अपना विरद निहारो, विरद मतलब बताया था अभी, क्या बताया था? भक्त शिष्य, आप अपने शिष्य को निहार लो। अब आंखें उठाओ, अब दया की दृष्टि, करुणा की दृष्टि, प्रेम बरसा दो, करुणा बरसा दो और अपने इस शिष्य को बढ़िया तरीके से देख लो। आप देख लोगे तभी मेरे सारे दुख क्या हो जाएंगे? सब दोष रहित कर स्वाम, मुझे क्या कर दो? इन आंखों को उठाओ, मुझे देखो और एक बार देखो और सारे दोषों से मुझे क्या कर दो? सब पापों से, अपराधों से मुझे क्या कर दो? दुख मेटो अंतर इंद्रादिक। और प्रभु से अब कह रहा है मेरे दोष मिट गए ना, तो मुझे अब संसार का कुछ नहीं चाहिए है। इंद्रादिक पदवी न चाहूं, विषयन में ना ही लुभाऊं, रागादिक दोष हरिजे, परमात्म निज पद जी। प्रभु ने जब इसकी बात सुनी कि बोले कि अब मैं नहीं बताऊंगा और मेरे को देखो, तो प्रभु ने जब देखा तो देखा, बोले बोल तुझे क्या चाहिए, क्या बोले, बोल तुझे क्या चाहिए? तो उन्हें क्या बोला? इंद्रादिक पद भी ना चाहूं, विषयन में कोई विषय की वस्तु नहीं चाहिए मुझे, घर मकान दुनियादारी वस्त्र पैसा धन तौलत श्रृंगार ये कुछ नहीं चाहिए है। क्या करो? बस रागा देख दोष हरिजे, परमाता में निज पद दीजे। जो आप बैठे हो ना पद लेकर के, अब तो जाओ तुम कहीं और ये पद तो क्या करो, ये पद दे दो बस, हमें और कोई पद नहीं चाहिए है, हमें कोई दुनिया का पद नहीं चाहिए है, क्योंकि दुनिया के पद जो लेता है उसे भूत बनना पड़ता है। क्या बनना पड़ता है बोलो? तुम पद लोगे तो क्या बनोगे, क्या बनोगे बोलो? नहीं बनोगे। और पद नहीं लोगे तो अभूतपूर्व बनोगे, क्या बनोगे? तो क्या बनना है, पद लेना है कि पद नहीं लेना है?
संसार के पद नहीं लेना, संसार के पद लोगे तो क्या बनोगे? भूतपूर्व प्रधानमंत्री। क्या? भूतपूर्व मंत्री, भूतपूर्व प्रधान, ये क्या होते हैं? क्या बन जाते हैं? उतरते ही क्या बन जाते हैं? और हमें भूत, हमें क्या बनना है? इसलिए परमाता में निज पद दीजिए, आपका शाश्वत पद है परमात्मा का, जो पद है निज पद है, उस पद को मुझे दो और मुझे संसार के कोई दूसरे पद दोष रहित जिने देव जी, निज पद दी जो मो सब जीवन के सुख बने आनंद मंगल हो, अनुभव माणिक पार की जोहरी आप जिनन, यही बर मोहि दीजिए चरण शरण आनंद। अनुभव माणिक पार की जोहरी थे और उनके द्वारा ये कविता लिखी गई है, ये आलोचना लिखी गई है और बहुत सुंदर तरीके से यह पंक्ति हुई है। गर्वे नृत्य के साथ आरती, दीप जलाइएगा, जला लिया। ओ प्रग सागर जी महाराज, आज थरी आरती उतारो, उतारो थरी मूरत निहारो, आरती उतारो थरी मूरत निहारो। प्रग सागर जी महाराज, आज थरी आरती उतारो, प्रग सागर जी महाराज, आज थरी आरती उतारो। मगर जबलपुर जन्म कियो है प्रेमा चंद्र जी के लाल, आज थरी आरती उतारो, प्रग सागर जी महाराज, आज थरी आरती। आरती की जगह करो भक्ति के लिए। ओ आज थारी आरती उतारो, कोमल काया छोड़ी माया, कोमल काया छोड़ी ए माया, जग का नश्वर सुख ना भाया, जग का नादिन सुख ना भाया, छोड़ा सब परिवार, आज थारी आरती उतारो महाराज, आज थारी आरती उतारो। ज्ञानी ध्यानी निर अभिमानी, शांति सुधारस के हो दानी, शांति सुधारस के हो दानी, ए बाणी ए सुखकार, आज थरी आरती उतारो, प्रग सागर जी मुनिराज, आज थरी आरती उतारो। ओ कोमल काया छोड़ी ए माया, जग का नश्वर सुख ना भाया, छोड़ा सभी परिवार, आज तारो जग सागर जी महाराज, आज तारे आरती उतारो। ओ मोक्ष बधु तुमको अति प्यारी, मोक्ष बधु तुमको अति प्यारी, ओ बजे छम छम छम, बजे छम छम छम, ओ बजे छम छम छम, बजे छम छम, ओ बाजे चम 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 चम, बाजे घुंघरू बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करो, बाजे चम 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 चम, बाजे घुंघरू बाजे घुंघरू। और प्रभु को उठाया आरती पे बिठाया, अरे जरा दोनों हाथों को ऊपर करें, जल्दी और जल्दी करो, एक बार में इतनी जल्दी आरती मत करवा। ओ तेरी हो रही जय जयकार बाबा रे बाबा, तेरी हो रही जय जयकार बाबा रे बाबा, ओ बाबा रे बाबा मेरे कुंडलपुर के बाबा, बाबा रे बाबा मेरे कुंडलपुर के बाबा, तेरी हो रही जय जयकार ओ बाबा रे बाबा, तेरी हो रही जय जयकार बाबा रे बाबा। दूसरी आरती से तन केरी, सुमरन करत मिटे भव फेरी, तीसरी आरती सूर मुनिंदा, जन्म मरण दुख दूर करिंदा। एक बार जरा दोनों हाथों को ऊपर कर ले, दोनों हाथों को ऊपर करने भक्ति के साथ और कहेंगे, और तेरी हो रही जय जयकार बाबा रे बाबा, तेरी हो रही जय जयकार बाबा रे बाबा, और चौथी आरती
पलाया। ओ पांचवी आरती साधु तुम्हारी, भूमि विनाशन शिव अधिकार। तेरी हो रे जय जयकार, जयकार कर, तेरी हो रे जय जयकार, बाबा रे बाबा, तेरी हो रे जय जयकार, बाबा रे बाबा। ओ सोने का दीप कपूर की बाती, जगमग ज्योति जले दिन राती, जगमग ज्योति जले दिन राती। और पूजा रचाने आया, आरती करने आया, दीपक जलाने आया हो। और कैसे, दोनों हाथ ऊपर करके, क्योंकि शीघ्रता भी हो रही है, दोनों हाथ ऊपर करेंगे। और मेरा जिया अरे शाया पारसनाथ जी, मेरा जिया अरे शाया, मेरा जिया अरे शाया चिन देवी जी, मेरा जिया अरे शाया चिन देवी जी। बोले पंच परमेश्वरी भगवान की जय हो। क्योंकि अपन को पारस देवा स्वामी जय, पारस देवा सुर नर मुनि जन तुम्हें चरण की करते नित्य सेवा। ओम जय पारस देवा, कोशपति कारस काशी में आनंद अति भारी। ओ स्वामी आनंद अति भारी, ओ आनंद अति भारी, ओ अश्विन बाबा माता और तीनो अवतारी। ओम जय पारस देवा, ओ श्याम वरण नव हस्त काय पग उरग लखन सोहे, स्वामी उरग लखन सोहे, ओ सुरपत अति अनुपम पट भूषण, सुरपति अनुपम पट भूषण सब मन। ओम जय पारस देवा, चलते थे एक नाग नागिन को हर मंत्र नवकार दिया। ओ स्वामी मंत्र नवकार दिया, हरा कमठ का मान ज्ञान का भानु प्रकाश किया। ओम जय पारस देवा, मात पिता तुम स्वामी मेरे, आस करूं मैं किसकी। ओ स्वामी आस करूं मैं किसकी, और तुम बिन ओ, ओ तुम बिन हो जा और न कोई, शरण गाओ मैं किसकी। ओम जय पारस देवा, स्वर्ग मोक्ष के दाता ओ दीन बंधु दुख हरण जिनेशर, तुम ही हो मेरे, ओ स्वामी तुम ही हो मेरे, हर तो शिवनाथ को वास दास हम द्वार खड़े तेरे। ओम जय पारस देवा, विपद विकार मिटाओ मन का अरज सुनो दाता, स्वामी अरज सुनाता। ओम जय पारस देवा, जरा दोनों हाथों को ऊपर करें, पारस देवा स्वामी जय पारस देवा, जरा दोनों हाथों को ऊपर करिएगा तालियों के साथ, पारसनाथ भगवान की आरती करें, दोनों हाथ ऊपर करें। और जय पारस, जय पारस, जय पारस देवा, जय पारस, जय पारस, जय पारस देवा, जय पारस, जय पारस, जय पारस देवा, जय पारस, जय पारस, जय पारस मात तुम्हारी, मामा देवी पिता अशु सेवा, मात तुम्हारी, मामा देवी पिता अशु देवा, जय पारस, जय पारस, जय पारस देवा, हर जय पारस देवा। बोली चिंतामणी पाटनाथ भगवान की। आप देख रहे हैं तीर्थंकर चैनल, जैन धर्म का उद्घोष। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए तीर्थंकर चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को।